Hey, hello. Welcome back to our channel, Physical Academy. So this is Ayush Aryan here, and I'm an educator of organic chemistry for this channel. So we have already discussed about the general organic chemistry. We have discussed about the basic electronic effects, and also we have discussed about the applications of general organic chemistry that was acidity and basicity. We have already talked and we have solved some questions also. So now this is the second application of this general organic chemistry, the aromaticity and its application. Okay, so let's talk about the aromaticity in this class, and this is important topic for organic chemistry because this will be used in many times in the coming chapters, like reaction mechanism, for checking the stability, for just knowing the stability of the compound. So let's just start with the topic. But now, so if you are new here for this channel, so if you are new, so please subscribe this channel. If you like the content, please share with the friends so that they also get the benefit of this channel, because this is totally free channel, and we will provide you the all the topics, all the chapters of physics as well as the chemistry for IIT JAM and MSc Entrance examination. So let's just start with the topic, aromaticity. So now start. So this is our topic, aromaticity. Aromaticity. Okay, so this is a property of organic compound. Property of organic compound. ये organic compound का क्या है property है. Okay, अब किस तरह के organic compounds यहाँ पे हम बात कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे. और हम लोग अब बात करेंगे इसके कंडीशंस की. कंडीशंस अगर हम जान जाते हैं अच्छे से, कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, अगर हम कंडीशन जान जाते हैं अच्छे से एरोमेटिसिटी की, तो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स को चेक करना जान जाएंगे, और साथ साथ कैसे स्टेबिलिटी को बताते हैं वो भी हम लोग समझ जाएंगे. सो कंडीशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जैसे आप जान रहे हो कि किसी भी चीज़ का कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है. जैसे अगर आप चाहते हो कि आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई करे, अच्छी आईआईटीज में एडमिशन हो जाए, अच्छी एनआईटीज में एडमिशन हो जाए, तो आपको रेगुलर लेक्चर्स करने होंगे, रेगुलर रेगुलर असाइनमेंट सॉल्व करना होगा. उसी प्रकार से यहाँ भी कंडीशंस की हम लोग बात कर रहे हैं. तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पहली बार यूट्यूब पे, खास करके यूट्यूब पे फ्री कॉन्टेंट दिया जा रहा है इस चैनल के द्वारा. सो प्लीज़, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमें अप्रिशिएट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों के साथ, ताकि वो भी जुड़ सके हमारे साथ, और इस चैनल के माध्यम से उन्हें भी प्रॉफिट हो, उन्हें भी एक स्टेज मिल पाए आने वाले समय के लिए. आईआईटीज एनआईटीज जहाँ जाने का बच्चों का सपना होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस शेयर करें अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है. तो उसी प्रकार से यहाँ भी कंडीशन है, एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. फर्स्ट इज द प्लैनरिटी. सो फर्स्ट, जस्ट वेट, आई सो व्हाट वी डिस्कस अबाउट दिस लेक्चर. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट एरोमेटिसिटी फर्स्ट, देन एंटी एरोमेटिसिटी, एंड देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, एंड द कमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट द क्वासी एरोमेटिसिटी एंड some applications also we will discuss about the topics. Okay, so this is the pattern. Okay, so let's start. First condition is planarity. Planarity means all atoms should be in the same plane. All atoms should be in the same plane. That is what same plane का मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है sp2 या sp? मैं कह सकता हूँ sp2 हो या sp हो, because sp3 अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है. वो सारे सारे बॉन्ड्स आपके एक प्लेन में नहीं होते हैं, डिफरेंट प्लेन में होते हैं. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आपको ध्यान रखना है. दूसरा कंडीशन ये है कि कॉम्प्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए किसी भी कंपाउंड में. कॉन्जुगेशन जो होगा वो कंप्लीट होना चाहिए. कंप्लीट कॉन्जुगेशन शुड बी अवेलेबल. थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए. कंपाउंड शुड बी साइक्लिक. नेक्स्ट जो होना चाहिए, फॉलो 4n+2π इलेक्ट्रॉन रूल.
और इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं, हकल्स रूल, क्या कहते हैं, बहुत फेमस है हकल्स रूल। ओके, तो हकल्स रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हम बात कर रहे हैं, 4n+2π इलेक्ट्रॉन, या यू कहें ऑड पाई बॉन्ड्स। अगर ऑड पाई बॉन्ड्स किसी कंपाउंड में अगर साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन और उसके साथ साथ ऑड पाई बॉन्ड को कंटेन कर रहा हो, ऑड पाई बॉन्ड को कंटेन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, n=0 अगर मैं लूँ तो 4 × 0+2 क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 1π बॉन्ड। ओके, अगर n=1 पुट करूँ तो 4 × 1+2 क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 3π बॉन्ड। ओके, n=, अगर मैं 2 पुट करूँ तो 4 × 2+2 क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स कितना पाई बॉन्ड हो जाएगा, 5π बॉन्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, तो 5π बॉन्ड। इसी प्रकार से अगर जाओगे तो सारे ऑड पाई बॉन्ड्स आपको दिखेंगे, और यहाँ पे जो होगा इवन पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इवन पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और ऑड पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी एक को देख के कर लो, ज्यादा बेहतर है कि पाई बॉन्ड गिन लो, पाई बॉन्ड गिन लो तो ज्यादा आसानी होगी, और बाकी आपकी मर्जी है। ओके, सो लेट्स कम विद द सम क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड एरोमेटिसिटी। ओके, सो ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये तो आप सभी जानते हैं कि बेंजीन है ये, और ये कंपाउंड है। ओके, तो आपको बताना है एरोमेटिक है या नहीं है, या चेक करना आपको। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि क्या क्या यहाँ पे प्लेनिटी है, बिल्कुल सारे सारे कार्बन, सारे एटम्स क्या है यहाँ पे प्लेनर है, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है, और कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और इसका क्या मीनिंग निकल सकता है कि ये प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर तो है भाई, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, समझ रहे हो, तो समझ रहे हो भाई। सेकंड पॉइंट क्या है, प्लेनर है। अब सेकंड पॉइंट साइक्लिक देख लो, साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल साइक्लिक है। तीसरा पॉइंट क्या, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, इस केस में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। क्या ये फॉलो कर रहा है 4n+2 रूल को, 4n+2π इलेक्ट्रॉन रूल्स को क्या फॉलो कर रहा है, आप देख लो कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, 1π बॉन्ड है भैया। अरे भैया 1π बॉन्ड है, तो इसका साफ मतलब क्या हो गया कि ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कंपाउंड हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। इट्स सो वेरी 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 सिंपल। ये तो आपके पास बेंजीन है, ये तो जग जाहिर है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्योंकि आपने 12th 11th क्लास में पढ़ा है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, पहला प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, क्या दूसरा कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है ये तीनों पाई बॉन्ड्स के बीच में, आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो क्या ये साइक्लिक है, अरे भाई बिल्कुल साइक्लिक है। चौथा, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, 3π बॉन्ड है, 3π बॉन्ड है, देख लो आप, 3π बॉन्ड का मतलब 4 × 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2+2, 4 × 1+2 है ना, 4 6 6π इलेक्ट्रॉन, यस। ओके, n=1 पुट करोगे तो आपको 6π इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 6π इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर इसकी मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, देख लो आप, 2 2 4 2 6 6π इलेक्ट्रॉन है, 6π इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 3π बॉन्ड, 3π बॉन्ड का मतलब ऑड पाई बॉन्ड, ऑड पाई बॉन्ड का मतलब होता है एरोमेटिक। अब इसका चेक करो, क्या साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, क्या प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, क्या कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन हो रहा है भैया, बिल्कुल कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, सब कुछ है, तो क्या हो गया, एरोमेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। आप ध्यान रखना है आपको कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। इसीलिए किसी भी रिएक्शन में आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले चैप्टर्स में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, नेम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन में अगर एरोमेटिसिटी ड्राइविंग फोर्स है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, वो रिएक्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, तो एरोमेटिक इसीलिए हमें हमारे लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, एक नोटेड पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, नोटेड पॉइंट क्या है आपके पास, नोटेड पॉइंट है रेजोनेंस एनर्जी,
रेजोनेंस एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, आपको मालूम होना चाहिए स्टेबिलिटी के। कितना भी जितना रेजोनेंस एनर्जी होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी जो होती है एरोमेटिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, तो ये बताने का रीजन क्या है मेरे पास, रीजन है एक ऑर्डर जो आपको याद रखना है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ओके, मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ जिसकी एरोमेटिसिटी ऑर्डर में बता रहा हूँ, और इसके नीचे मैं लिखूंगा उसका रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, दीज आर द हेटरो कंपाउंड्स, यू नो ऑल, दिस इज थायोफेन, दिस इज पायरोल, एंड दिस इज फ्यूरॉन, फ्यूरॉन। ओके, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजीन रिंग होता है, तो आपको मालूम है क्यों, क्योंकि इसकी 36 किलो जूल पर मोल इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है, इसकी 32 होती है, इसकी 29 होती है, इसकी 21, इसकी 60। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ये पूछ सकता है, कभी हेट्रो एटम्स के बीच में पूछ लिया जाता है, कभी ये सबके बीच में पूछ सकता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एंटी एरोमेटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी एरोमेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं? पहला साइक्लिक, दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरा कंडीशन प्लेनर, सेम कंडीशन, बस एक कंडीशन चेंज करेगा। तीसरा कंडीशन कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन शुड बी देयर। ओके, चौथा जो होगा डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, मीन्स हकल्स रूल, हकल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा, हकल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो सवाल यह है कि किस रूल को फॉलो करेगा, तो जवाब यह है फॉलो 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, 4 पाई, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो इससे आप समझ जाना कि एंटी एरोमेटिक है कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया हमारे पास, कौन सा कंपाउंड बन गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो वही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग चेक करेंगे, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो एन के जगह पे आप जीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जीरो पुट कर दोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, 0 पाई इलेक्ट्रॉन, और 0 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब प्लेनर नहीं होगा, प्लेनर नहीं होगा कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो दो 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 कंडीशन को फॉलो ही नहीं करेगा, तो इसका फॉलो करना या नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एन का वैल्यू जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 पाई बॉन्ड्स, अब 4 × 2 करोगे आप तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है 4 पाई बॉन्ड, 4 × 3 करोगे आप तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और 12 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6 पाई बॉन्ड। और अगर ये आप देख रहे हो कि यहाँ जो बॉन्ड की संख्या है, जो बॉन्ड का काउंट है वो क्या है, इवन नंबर में आ रहा है, तो अगर इवन नंबर काउंट आ रहा है तो एंटी एरोमेटिक, ऑड नंबर काउंट आ रहा है तो एरोमेटिक, ऑड पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा एरोमेटिक, और इवन पाई बॉन्ड एंटी एरोमेटिक, और बाकी सारे कंडीशन तो सेम है, ये आप नोट कर सकते हो। ओके, सो देखते हैं, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जहां पे हमें ये समझ आ जाए कि कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है, क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप ये बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, ये पहला पॉइंट साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, दूसरा कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है ना। तीसरा पॉइंट क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, सारे प्लेनर से क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है। चौथा पॉइंट क्या ये डज नॉट फॉलो, या डज नॉट फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, किसको, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि 4 × 2 अगर आप 2 करोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉरी आई थिंक 2 × 2 4 टू 4 × 1 4 × 1 4 × 1, और आप देख सकते हो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 2 पाई बॉन्ड का मतलब हो गया इवन नंबर, और इवन नंबर का मतलब हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल करते हैं जिससे और हमें क्लियर होगा। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव, और ये तो अभी हमने किया है, तो ये तो एंटी एरोमेटिक है, आपको मालूम है अभी मैंने करवाया, तो
क्या ये दोनों क्या है वो बता सकते हैं। देखिए क्या है दोनों कंपाउंड, तो दोनों कंपाउंड आप देख लो साइक्लिक है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो 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 इलेक्ट्रॉन है, दो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब वन पाई बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड है सिर्फ वन पाई बॉन्ड। और वन पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, वन पाई बॉन्ड का मतलब हो गया ऑड, और ऑड का मतलब क्या हो गया एरोमेटिक। और कॉन्जुगेशन तो है यहाँ दिख रहा है, यहाँ कितना होगा, दो दो चार दो छः 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 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेशन है, ऑड पाई बॉन्ड है इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो यहाँ से आपको ये चीज़ सीखने को मिल गया। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। एरोमेटिसिटी इन सेवन मेंबर रिंग, ये इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिसिटी इन सेवन मेंबर रिंग, इन सेवन मेंबर रिंग, मेंबर रिंग, सेवन मेंबर रिंग में एरोमेटिसिटी कैसे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए इसको अलग से मैं समझा रहा हूँ, सेवन मेंबर एट मेंबर को। मैं दो कंपाउंड लिया, अब आप ये कहोगे कि दो दो चार दो छः मतलब सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब थ्री पाई बॉन्ड, और थ्री पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, थ्री पाई बॉन्ड का मतलब हो गया और कॉन्जुगेशन दिख ही रहा है साइक्लिक है ये सब कुछ, थ्री पाई बॉन्ड मतलब ऑड पाई बॉन्ड, ऑड पाई का मतलब एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक होगा। ओके लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो एट पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कॉन्जुगेशन है साइक्लिक है सब कुछ है, तो आप कहोगे कि एट पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया फोर पाई बॉन्ड, फोर पाई बॉन्ड मतलब इवन पाई बॉन्ड, इवन पाई बॉन्ड कहाँ होता है सर, इवन पाई बॉन्ड कहाँ होता है सर, इवन पाई बॉन्ड होता है एंटी एरोमेटिक में, किसमें होता है एंटी एरोमेटिक में, और एंटी एरोमेटिक है ये। लेकिन अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है कि एंटी एरोमेटिक नहीं है बल्कि नॉन एरोमेटिक है, तो अब हमें समझना होगा कि नॉन एरोमेटिक किसे कहते हैं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, नॉन एरोमेटिक कुछ खास नहीं है, इसे अलग से नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। नॉन एरोमेटिक का मतलब सिंपल है कि इसके कोई भी एक एटम कार्बन एटम नॉन प्लेनर हो जाए, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर का मतलब हो गया आउट ऑफ प्लेन चला जाए, आउट ऑफ प्लेन, बाकी सब रूल होगा, और हकलसन कोई फॉलो नहीं करेगा, हकलसन कोई फॉलो नहीं करेगा, बाकी साइक्लिक होगा, साइक्लिक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इस प्लेनर नहीं होगा, सारे एटम्स प्लेनर नहीं होगा, एक एटम क्या हो जाएगा नॉन प्लेनर, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, जबकि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा, ओके लेकिन आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में भाग नहीं ले पाएगा ये नेगेटिव चार्ज। इसे कैसे हम समझेंगे, मैं समझाता हूँ अगले स्लाइड में, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है कि ये जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करता है ऐसे, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड दिस इज सेवन, ओके तो ये है नेगेटिव चार्ज, तो ये चला जाता है आउट ऑफ प्लेन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन अगर नहीं होगा तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, तो इसे कह देते हैं हम लोग नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक तो बिल्कुल नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं है तो एरोमेटिक कैसे होगा, और नॉन एरोमेटिक, ओके। सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ये क्या है, तो भाई ये बोरोन है आपको मालूम है, यहाँ पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, तो आप देखोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन है, आई थिंक सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, सिक्स पाई का मतलब थ्री पाई बॉन्ड, थ्री पाई बॉन्ड का मतलब ऑड पाई बॉन्ड, ऑड का मतलब एरोमेटिक, सब कुछ है ही, साइक्लिक है, प्लेनर है, सब कुछ है, तो एरोमेटिक होगा ही। लेकिन इसी के साथ अगर मैं नाइट्रोजन लगा दूं, लेकिन अगर मैं इसी के साथ नाइट्रोजन लगा दूं, तो आप कहोगे सर एट पाई इलेक्ट्रॉन, टू टू फोर टू सिक्स एट पाई इलेक्ट्रॉन है सर, एट पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब फोर पाई बॉन्ड, और अगर फोर पाई बॉन्ड है, अगर फोर पाई बॉन्ड है इसका मतलब एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन अभी अभी मैंने बताया क्या, अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा है कंपाउंड इस केस में सेवन मेंबर रिंग में, तो आप उसे एंटी एरोमेटिक मत कहो, क्या कह दो नॉन एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि ये चला जाएगा आउट ऑफ प्लेन, कहाँ चला जाएगा,
आउट ऑफ प्लेन कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा आउट ऑफ प्लेन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक वन कार्बन इज मोर। ये नाइट्रोजन यहाँ आ गया, लोन पेयर बॉन्ड 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 ऐसा बन जाता है, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। ओके, आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। बट यहीं पे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जहां पे ये रूल फॉलो नहीं होगा। ये अगर ऑक्सीजन यहाँ पे है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता। ओके, ये एक्सेप्शन है। और एक और है एक्सेप्शन पेश है, ये आप इसे स्टार दे दो ज्यादा बेहतर होगा, एक्सेप्शन पेश। ओके, एक और कंपाउंड है कार्बिन, 7 मेंबर रिंग कार्बिन, ओके, 7 मेंबर रिंग कार्बिन है ये। ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक है, सॉरी ये एरोमेटिक होगा, ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये कार्बिन का जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका, ये इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हम, ठीक है, ये काउंट नहीं होता है, ये कार्बिन का इलेक्ट्रॉन है बट काउंट नहीं होगा। तो सिर्फ कितना बढ़ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है, आप जानते हो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है ये कार्बिन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्योंकि ये जो कार्बिन का जो इलेक्ट्रॉन है ये आउट ऑफ प्लेन होता है, आउट ऑफ प्लेन रहता है। ओके, और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेता, और ये एरोमेटिक होता है क्योंकि ये कार्बन प्लेनर है, ये कार्बन प्लेनर है, बस जो इलेक्ट्रॉन है वो आउट ऑफ प्लेन है। ओके, इसलिए एरोमेटिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 मेंबर रिंग, 8 मेंबर रिंग। तो लास्ट वाले समय ये पता लगा कि 7 मेंबर में, 7 मेंबर में दो केस एक्सेप्शन है, बाकी आप क्या कर सकते हो कि 7 मेंबर में अगर इफ एंटी एरोमेटिक है, अगर एंटी है, एंटी दिख रहा है आपको, तो आप उसे एंटी मत कहो, क्या कर दो, नॉन एरोमेटिक कर दो। ओके, और अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक चलेगा, एरोमेटिक है तो एरोमेटिक रहेगा, एरोमेटिक ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 मेंबर रिंग की बात करते हैं, ये 8 मेंबर रिंग है आपके पास, इसके पास इसको साइक्लोऑक्टेट ऑक्टेट ऑक्टेट टेट्राइन कहेंगे। ओके, तो अगर आप इसको कहोगे कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो ये क्या हो जाना चाहिए, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट होता नहीं है, ये कौन सा होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, टप शेप, इसे क्या कहते हैं, टप शेप, और यहाँ पे आपको दिख रहा है आउट ऑफ प्लेन है, ये रिंग की वजह से हो रहा है ऐसा। ओके, आउट ऑफ प्लेन है, इसे टप शेप कहा जाता है, तो इसलिए ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्या है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। ओके, नॉन एरोमेटिक, लेकिन अगर इसी में हम क्या कर दें, थोड़ा सा चेंज ले आए, थोड़ा सा चेंज ले आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड का मतलब ऑड, ऑड का मतलब एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होगा, यहाँ आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा, ये एरोमेटिक इन नेचर होगा, और इसके जगह पर अगर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो भी एरोमेटिक इन नेचर होगा, क्योंकि तो एरोमेटिक है तो एरोमेटिक ही रहेगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक है तो आउट ऑफ प्लेन, और क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के रूप में क्वेश्चन आता है, रिएक्शन के रूप में क्वेश्चन आता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं यहीं पे। एक क्वेश्चन है आपके पास, रिएक्शन में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, मैग्नीशियम डाला गया तो यहाँ पे क्या होगा, पूछा जाता है कंपाउंड जो एरोमेटिक बनेगा या कैसा बनेगा। तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और आपको मालूम है कि मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है,
मेटल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो लूज करके क्या बनाएगा, लूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाएगा और साथ में यहाँ पे Mg2+ बना देगा, एक सॉल्ट बनाएगा, एक सॉल्ट बना देगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ऐसा कंपाउंड बन गया सॉल्ट की तरह, मेटल सॉल्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखो 2 to 4 to 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है सब कुछ, है क्या बन गया, कंपाउंड एरोमेटिक बन गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ क्वेश्चन, आई थिंक IIT जैम का ही क्वेश्चन है। 2 SbCl5, SbCl5, ओके, 2 मोल ऑफ SbCl5 लेंगे तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, ओके। नाउ प्रोसीड विद द नेक्स्ट, 14 मेंबर रिंग, 9 मेंबर रिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं दिखता, 10 मेंबर रिंग का इंपॉर्टेंट है, ओके। 10 मेंबर रिंग जैसे, ये कंपाउंड है आपके पास, ये कंपाउंड है, आपको बताना है एरोमेटिक है क्या है, एंटी एरोमेटिक है क्या है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इवन पाई बॉन्ड, ऑड पाई बॉन्ड मतलब क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, बट एरोमेटिक है नहीं। क्यों एरोमेटिक नहीं है, कि यहाँ जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ एक एक हाइड्रोजन है जो कि ट्रांस में है, और ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसको रिपल्शन करता है, रिपल्शन करता है, क्या करता है, रिपल्शन। इस हाइड्रोजन के वजह से रिपल्शन क्रिएट होता है, और इस रिपल्शन के वजह से प्लैनरिटी जो होती है वो लॉस कर जाती है, और प्लैनरिटी लॉस करने से ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। अब इसे हम एरोमेटिक बना सकते हैं, इसे हम एरोमेटिक बना सकते हैं, एरोमेटिक बना सकते हैं बाय एडिंग, बाय साइक्लाइजेशन और ब्रिजिंग, इसे एरोमेटिक बनाया जा सकता है। दिस शुड बी एरोमेटिक, शुड बिकम एरोमेटिक बाय टू प्रोसेस, बाय टू प्रोसेस, दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला जो होगा वो साइक्लाइजेशन कर दें हम लोग, और दूसरा होगा ब्रिजिंग कर दें। अब कैसे करेंगे देखते हैं, ओके। ये कंपाउंड था आपके पास, ये कंपाउंड था, यहाँ हाइड्रोजन है, इसकी वजह से रिपल्शन आ रहा है और ये आउट ऑफ प्लेन चला जा रहा है रिंग, ठीक है। तो अगर साइक्लाइजेशन करते हैं मतलब इन दोनों बॉन्ड को जोड़ दें, साइक्लाइज कर दें, ऐसा बना दिया हम लोगों ने बॉन्ड, कैसा बना दिया, ऐसा कुछ बना दिया, ओके। ये बन गया, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक बन गया। अगर ब्रिजिंग कर दे, ब्रिजिंग का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो बॉन्ड है हाइड्रोजन उसको ब्रिज ब्रिज में कन्वर्ट कर दे, एक ब्रिजिंग ले आ, एक ऊपर एटम ले आ, ओके। ये कहाँ चला जाए, ऐसे ऊपर एक एटम ले आ, कार्बन जोड़ दिए या नाइट्रोजन जोड़ दिया या ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, जबकि ये आउट ऑफ प्लेन है, ये आउट ऑफ प्लेन होगा कार्बन, बट ये जो रिंग है वो क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये था, नेक्स्ट क्लास हम लोग समझेंगे होमो एरोमेटिक के बारे में और क्वासी एरोमेटिसिटी के बारे में, और यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, कमिंग लेक्चर। सो लास्ट नॉट द लिस्ट, इफ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, सो डैट जिन्हें नीड है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं पैसे के वजह से, तो वो प्लीज़ हमारे चैनल पे आ सकते हैं। सारा कोर्स आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, सो टाइम आप दे रहे हो, नथिंग इज़ फ्री फॉर यू बिकॉज यू आर गिविंग योर टाइम। सो अगर आप चैनल पे पढ़ रहे हो, चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ आप अपना
पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आईआईटी जैम या एमएससी कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, आपको एक अच्छा स्कोर दिलाएगा और आपका जो सपना है, जो ड्रीम होता है, हर बच्चे का एक ड्रीम होता है आईआईटी जाने का, तो आप वहाँ पे आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो, जैसा कि मेरा ड्रीम था आईआईटी में जाने का और आज मैं आईआईटी हैदराबाद में हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको भी एक सपना है आपके पास भी, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।